बाप रे, आज तो बार बार बचा, वरना वो तो मेरा सर ही फोड़ देते। मार्टिन, मार्टिन, मेरी बात सुनो मार्टिन। क्या तुम्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है? ये तो बगी मैन है। बगी मैन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हो गया अब तुमसे? अरे मैं तो गधे की बिरयानी खाने गया था, तो गलती से वहाँ पे जीटीए वालों की गाड़ी आ गई। फिर वो लोग मेरा पीछा करने लगे। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ, वो तो मेरा सर ही फोड़ देते। बाप रे बगी मैन, तुम हर बार मुसीबत खड़ी कर देते हो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? गधे की बिरयानी खाना इतना जरूरी था क्या? यहाँ पे हमें अनिश्चित देव का अभी काम करना है। अरे मार्टिन, तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो हमारे पीछे नहीं आ पाए। अच्छा हुआ वो हमारे पीछे नहीं आ पाए, वरना हमारी ही बिरयानी बन जाती। अच्छा हुआ कि मैंने माइकल को मनी हाइस के हवाले कर दिया, वरना अगर वो पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते तो वो माइकल को छुड़ा देते। गधे की बिरयानी खा खा के तुम गधे ही हो चुके हो बगी मैन। क्या पता वो लोग तुम्हारा अभी भी पीछा कर रहे होंगे, अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो। अरे मार्टिन, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। जब मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा तो उनकी कार पूरी खराब हो चुकी थी। उनकी कार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मुझे तो लगता नहीं कि वो अपना पीछा कर रहे होंगे। पर तुम्हारे बगी के टायरों के निशान का पीछा करके वो लोग यहाँ तक आ सकते हैं बगी मैन, ये तुमने क्या कर दिया? इसका मतलब अगर वो यहाँ आ गए तो हमारा दीवार निकल जाएगा। जल्द से जल्द हमें ये मिलिट्री बेस खाली करना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा जेंटलमैन, हमें ये बेस जल्द से जल्द खाली करना होगा। अनिष्ट देव की वापसी होने वाली है और अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैं सबको बुला के लेके आता हूँ। यू जॉनसन, इधर आओ। ए वाह यार, क्या गाड़ी है ये! बिल्कुल मेरी जैसी खतरनाक गाड़ी है ना? एकदम सही, बहुत बढ़िया गाड़ी है। काश ये फ्री फायर में होती तो मैं कभी तक ग्रैंड मास्टर पे पहुंच चुका होता। फिकर मत करो, लॉस सैंटोस दफा होने के बाद ये सारी गाड़ियां फ्री फायर में जाने वाली है। अरे यू जॉनसन सुनो। अरे यार आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत। इस मार्टिन को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा ये खेल खत्म होने के बाद। अरे आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत मार्टिन। संकी हो रहे हो दिन ब दिन। ये लो बोलो, मैं आ चुका हूँ। क्या बात है? हाँ हट, बोलो मार्टिन, क्या काम है? किस लिए बुलाया है हमें? जेंटलमैन, अभी हमें ये बेस चेंज करना होगा। पर क्यों? क्या हो गया? क्यों बेस चेंज करना होगा हमें? यार मुझे भूख लगी है। कई हफ्तों से मैंने कुछ नहीं खाया और ये बावले की तरह चिल्ला रहे है। लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। जेंटलमैन आप उम्मीद है मेरी बात? अरे बाप रे, ये कौन आ रहा है? अरे ये मालिक है, इनके सामने झुक जाओ। झुक जाओ सब लोग, उठो, मालिक आ गए है। अनिष्ट देव आ गए है। तुम लोगों ने अभी तक गेमिंग पोर्टल को नहीं ढूंढा। वो पोर्टल मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे आऊंगा जीटीए में? अभी तक क्या कर रहे थे तुम लोग? अनिष्ट देव, हम आपके गुलाम हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस पोर्टल को अपने काबू में लाने के लिए, पर हर बार कोई ना कोई जीटीए वाला हमें रोक ही लेता है। हमारे पीछे जीटीए वाले हाथ धो के पड़ गए हैं। कुछ फ्री फायर वाले उन जीटीए वालों का साथ भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कमजोरियां उन लोगों को मालूम पड़ गई। इसलिए हम अभी तक वो पोर्टल को हासिल नहीं कर पाए मालिक। जल्द आपकी वापसी होंगी, पर हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम वो गेमिंग पोर्टल ला देंगे। अनिष्ट देव, हम पे भरोसा कीजिए, आपकी वापसी जरूर होंगी, इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। ए, तुमने उधर क्यों मुंह कर लिया है? इधर मुंह करो। हे, मुझे लगता है वो मुझे खा लेगा, इसलिए तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं फ्री फायर और जीटीए के बीच में अटक चुका हूँ। मेरी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही है। जल्दी से जल्दी वो गेमिंग पोर्टल मेरे पास ले आओ, ताकि इस जीटीए में मैं अपना कब्जा कर सकूं। ये जीटीए अब मेरा होके रहेगा। जरूर मालिक, हमें बहुत मजा आता है HD ग्राफिक यूज करके। अगर ये मजा तुम्हें जिंदगी भर चाहिए तो वो गेमिंग पोर्टल मेरे पास ले आओ, वरना वो जीटीए वाले तुम्हें फिर से फ्री फायर की उस दुनिया में भेज देंगे जहाँ पे तुम्हें 99 डायमंड्स में कुछ नहीं मिलता। तो लेके आओ यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। इस जीटीए में तुम चीट्स यूज करके, मॉड यूज करके अपने आप को कुछ भी बना सकते हो। जीटीए पे तुम्हारा काबू होगा, फिर तुम 50 क्या हजारों लोगों को रोज खत्म कर सकोगे। बुया ही बुया होगा हर जगह, और अब से तुम्हारा साथ देगा सेवरेस। ए, अरे तुम यहाँ पे
बिल्कुल सही कहा। सरस, अब तुम्हारा काम है ये गेमिंग पोर्टल ढूंढना। तुम ही इस गेमिंग पोर्टल को अब ढूंढ के लाओगे मेरे पास। ये काम अब तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम ही अकेले वो बच्चे हो जो ये काम कर सकते हो। और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, जाओ अपनी अरीना वॉर व्हीकल्स लेके जाओ और लॉस सैंटोस में तबाही मचाओ, ताकि उन जीटीए वालों का ध्यान तुम पे हो, ना कि सेवरस पे। ठीक है मेरे मालिक, जैसी आपकी इच्छा। फिकर ना करे मालिक, वो पोर्टल खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगा। ठीक है सेवरस, अब सब तुम पे निर्भर है, वो पोर्टल लेके आओ। तो जाओ अब तबाही मचाओ। वाह, मुझे ये बाइक मिल गई, अब बग्गी मैन बाइकी मैन हो जाएगा। वाह क्या बात है, फाइनली मुझे ट्रक चलाने का मौका मिला। अब बताता हूँ इन लॉस सैंटोस वालों को। चलो यार, अब आएगा मजा। लगता है मेरी टांगों में अब जान नहीं रही। क्या बात है, ये गाड़ी में लेकिन मजा आ जाएगा। चलो लोगों को अफाइज बनाते हैं। खिलौने में दम है, बताऊंगा दवाई का मतलब। तूने क्या हमको पागल समझ के रखा है? कब से इसका पीछा उसका पीछा करने लगा रहा है? हम उसे पकड़ेंगे कब? जल्दी मुझे बता। मुंह खोल, ऐसे चिल्लाओ मत। फ्रैंकलिन भैया अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चिल्लाओ मत। अरे टॉमी भैया, तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा है, मेरे को खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। गुस्सा करके यहाँ पे क्या होगा? अभी आपस में झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। अभी ये सोचो कि माइकल दादा कहाँ पे होंगे, समझे? ओ डीजे वाले बाबू, इधर अपना ज्ञान मत दो। मैंने पहले ही कहा था गाड़ी पलटेंगी, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं तो पागल हूँ। हाँ, हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हेल्प प्लीज, हेल्प प्लीज, हेल्प हेल्प। फूट ये लड़का पूरी लाख कटा रहा है यार अपनी। यार समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे, माइकल दादा को कैसे ढूंढेंगे? बुरे फंस गए, अब ये बग्गी मैन भी अपने हाथ से निकल गया, एक मौका मिला था वो भी चला गया। हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मदद करो प्लीज। ए फ्रैंकलिन, कुछ जल्दी सोचो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ए इसे देखो, फिर से चक्कर आ रहे हैं, ये बावले जाले करेगा फिर से। आओ नहीं तो क्या बावला। लगता है हमें माइकल दागा को पूरे शहर में ढूंढना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएंगे। अरे बाबा, एक तेरा गरीना का मैप नहीं है छोटू सा, पूरा लॉस सैंटोस है, ढूंढ ढूंढ के ना खुद खत्म हो जाएंगे। तो अब करे क्या? तुमने तो टाइम मशीन को भी बर्बाद कर दिया, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? अभी इतने मुश्किल हालत में भी ये लोग लड़ने का सोच रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आ रहा अब यार क्या करे, कैसे ढूंढेंगे माइकल दादा को यार। अरे भाई ये कौन आया? अरे बाप रे, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। अरे ट्रेवर भाई साहब, इतने दिनों के बाद कैसे, कहाँ पे थे तुम इतने दिन से? अरे वाह, कोई तो गाड़ी रुकी गई। ट्रेवर भाई साहब, तुम पिछले एक हफ्ते से गायब थे, क्या कर रहे थे तुम? मैंने माइकल दादा को पूरे शहर में ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल पाया। ए लमार तो बोल रहा था कि पूरा लॉस सैंटोस घूमने में इंसान खत्म हो जाता। हे, फिर ये जिंदा कैसे है, कहीं ये भूत तो नहीं है? तू जिंदा ही छो। मुझे तो लगता है हमने इन्हें फ्यूचर से लाके गलती कर दी, ये तो कुछ नहीं कर सकते। आरसीजे कहाँ है, अब मेरा दोस्त वेनम कब मिलेगा? अगर आपने पूरा लॉस सैंटोस घूम लिया तो मेरा दोस्त वेनम मिला कि नहीं मिला? लगता है मैं पागल होने वाला हूँ। तो यार अपने को ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें जानना जरूरी है। ए लेस्टर, इतना क्यों चिल्ला रहा है? बोलो लेस्टर, तुमको क्या बोलना है, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम्हें बतानी है? क्या भी जरूरी है फ्रैंकलिन, क्या भी जरूरी? अरे लेस्टर यार दिमाग मत खराब कर, अभी यहाँ पे पहले ही हम लोग टेंशन में है, तो बोलना भाई कौन सी बात है, बोल। तो सुन, अभी हमको काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। थोड़ी देर पहले मुझे एफबीआई एजेंट का कॉल आया था, अगर हमने उन्हें फ्री फायर वालों को पकड़ने के लिए साथ नहीं दिया तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पूरी आर्मी हमें खत्म कर देंगी, समझे? अपने को अब पुलिस वालों के साथ काम करना होगा। पागल हो गया क्या लेस्टर, अपन पुलिस वालों के लिए काम करेंगे? तेरा दिमाग वगैरह तो खराब हो चुका है कि नहीं? तू इतना बड़ा जानकार हो कि ये बातें कैसे कर सकता है लेस्टर? तेरा दिमाग सही जगह पे है?
मेरे पे भरोसा करो फ्रैंकलिन, चलो मेरे साथ चलो। ठीक है लेस्टर, तू बोल रहा है तो चलो सब लोग, चलो चलो साथ में मेरे, चलो। ए अटरे खिड़की वाट, अरे 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 कैसे बदतमीज बच्चा है तू, हट साला दिमाग खराब। ए लामा रटना वहां से भी बटन है पीछे, रुक जा काम करता मैं, दो उस साइड से बैठ, रुक जा। ए आलोक साला बहुत बेकार हो गया। कही ये गाड़ी तो चुप। ए साला कल के लौंडे सिखाने लग गया आजकल अपने को, अरे मालूम नहीं कौन हूँ मैं, जानता नहीं तुम्हें को। चलो चलो जल्दी बैठो चलो। अरे वाह, इस बार मैं सामने बैठूंगा और लेस्टर भैया सर को थोड़ा सा अच्छे से बैठन दो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, GTFI के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे कि आपने दोस्तों देख ही लिया होगा कि फ्री फायर वालों को रोकने के लिए अभी लेस्टर ने अपने को बोला है कि अपने को पुलिस के साथ मिलके काम करना होगा। मतलब भाई देखो, अभी वैसे प्रॉब्लम इतनी आ रही है कि अपने पास ज़्यादा फोर्स नहीं है लड़ाई करने के लिए। और अभी दोस्तों अपने लास्ट एपिसोड में देखा ही चाहूँगा कि यार कितने सारे मनी हाइस्ट वाले आ चुके थे, कितने सारे मनी हाइस्ट की जो आर्मी थी इतनी ज़्यादा आ चुकी थी भाई, उन सबको ख़त्म करने में अपने को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी अपन ने ख़त्म कर दिए। तो लेकिन यार अभी ऐसी अगर आर्मी बहुत सारी आने लग गई तो अपन उनको कैसे हैंडल करेंगे। अपन ने भले ही यहाँ पे निको भैया को लेके आ गए, टॉमी भैया को लेके आ गए, और भी अपने साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भाई वो सब लोग काफ़ी नहीं हैं। ये सारे लोग मिलके यार फ्री फायर वालों की ऐसी और भी ज़्यादा आर्मीज़ को रोक नहीं पाएंगे। तो मैंने यही सोचा सबसे बढ़िया कि भाई अभी लेस्टर की बात में दम है, अगर अपन पुलिस वालों की हेल्प ले लेते हैं, पुलिस वालों के साथ मिलके काम करते हैं, तो हो सकता है भाई कि यार फ्री फायर वालों को अपन रोक सके, ऐसे बड़े बड़े मुसीबत जब अपने पर आए। तो ये मिलिट्री की इक्विपमेंट और मिलिट्री फोर्सेस जो है ना अपने काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है, तो ये जो डील है अपने लिए बढ़िया रहेंगी। अभी थोड़ी देर पुलिस के लिए काम कर लेते हैं, वैसे भी भाई बहुत पुलिस वालों को अपन ने मारा है, लेकिन कम से कम अभी यार अपने को GTA को बचाने के लिए यार इन लोगों के साथ देना ही पड़ेगा पुलिस वालों का, वरना ना ही यार GTA बचेगा, ना ही लॉस सैंटोस बचेगा, ना ही पुलिस वाले बचेंगे, और ना ही अपन लोग बचेंगे, बस वो फ्री फायर वाले ही बचेंगे जो हर जगह राज करेंगे भाई। तो यार और पता नहीं यार आप लोगों को पता होगा, ये अनिष्ट देव की बार बार बात कर रहे थे कि अनिष्ट देव आएगा, अनिष्ट देव आएगा। याद है दोस्तों आपको, जब वो ब्लड मून समुराय आया था तब वो बार बार अनिष्ट देव की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी फ्री फायर वाले हैं ना, इनके पीछे कोई और ही है, ये लोग सिर्फ इसके प्यादे हैं और इसके ऊपर कोई और ही बैठा है, असली मोहरा तो यार इनके पीछे कोई और है, मुझे ऐसा लगता है। तो यार आप लोगों को बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वो फ्री फायर वाला हो सकता है जो इनके पीछे बैठा हुआ है, कौन है ये अनिष्ट देव, आप लोग बताओ दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में। यार ऐसा कौन सा फ्री फायर का सबसे ताकतवर प्लेयर है, या फिर ऐसा कौन सा इंसान है यार बोल सकते जो भी हो, कौन है इन लोगों के पीछे, एक बार दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये जिस हिसाब से दोस्तों ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है इनके पीछे कोई और ही है। मिलिट्री बेस पहुंचते पहुंचते भी शाम हो चुकी है और लगभग अपन मिलिट्री बेस के आसपास पहुंच ही चुके हैं। तो यार चलो, वो देखो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, अभी अपने को वहां पे पहुंचने का है और उसके बाद वेट करो भाई, सॉरी अपने को बस वेट करने का है कि वो लोग अपने से क्या करवाते हैं, उनका क्या प्लान है, अभी अपने को भाई लिटरली कुछ भी नहीं पता। ठीक है तो चलो यार अभी एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। भाई ये रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है,
लमार यहाँ पे पीछे किस तरीके से खड़ा हुआ है, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं लमार इस तरीके से गिर ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आराम से चला रहा हूँ। और भाई लगभग अपन पहुँच चुके हैं, ये यहाँ से एंट्रेंस है यार, कहाँ से जाऊँ, यहाँ से चल लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चलते हैं भाई। हाँ यहाँ पे बढ़िया रोड है, तो चलो गाइस अपन पहुँच चुके हैं। और भाई साहब सामने देख रहे हो, ओ भाई इतनी सारी आर्मी की गाड़ियाँ, भाई साहब क्या बात है। ओ देख रहे हो कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स है दोस्तों यहाँ पे, सबके सब भाई बंदूक से लैस है, और इतने सारे आर्मी और मिलिट्री फोर्सेस के ट्रक्स, भाई साहब देख रहे हो। ओ भाई रुक जाओ, लेस्टर कैसे गाड़ी चला रहा। तो गाइस देख सकते हो अभी यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके हैं, और भाई यहाँ पे तो भाई पूरी मिलिट्री ने डेरा डाल रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बापरे मिलिट्री के ट्रक्स है, ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस और हाई टेक ट्रक है दोस्तों, देख सकते हो आप। भाई साहब इन लोगों के साथ अब काम करने में भी एक अलग ही मजा आएगा दोस्तों यार, पहली बार अपन पुलिस के साथ काम करने वाले हैं, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे यार लेस्टर चलो बताओ अभी अपने को करना क्या है, अब लेस्टर बताएगा भाई कि अभी अपने को करना क्या है। लेकिन देखो भाई आसमान से कोई आ रहा है, देखो एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये कौन है,